दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मॉम्स डिशेस। दोस्तों, अगर आप कहीं घर से दूर रहते हैं, आपके घर के पास ना कोई मैकडोनल्ड्स है ना ही कोई अच्छा चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और आपका मन कर रहा है कि आप चिली पटेटो या फ्रेंच फ्राइज जैसी कोई चीज़ खाएं, तो मैं आपको ऐसी डिश बनाना बताऊंगा जिसमें आपको दोनों का ही टेस्ट आएगा और वो फटाफट बन भी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ आलू ले लेने हैं और उनको वॉश करके अच्छे से स्लाइसेस में काट लेना है, जैसे कि मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं। आपको पतले पतले स्लाइसेस बनाने हैं ताकि वो जल्दी फ्राई हो जाएं। उनको फिर एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करना है और उसमें इन स्लाइसेस को आपको धीरे धीरे फ्राई करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है उसको लो पर रखना है ताकि जो हमारी फ्राइज़ हैं ये कुरकुरी बने, वरना क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे इनको फ्राई करते रहना जब तक आपका इन पे ब्राउनिश कलर ना हो जाए या फिर ये थोड़ी पक ना जाए। आपकी फ्राइज पकने के बाद कुछ ऐसी दिखेंगी। अब आप इनके ऊपर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। आप इसके ऊपर सॉस, केचप, कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। फाइनली हमारी डिश एकदम रेडी है गर्मा गर्म सर्व करके खाने के लिए। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और ये डिश बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये डिश